हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वत्सला वर्मा और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट जैसे वेज बर्गर्स। तो इनके लिए जो हमें मेन बनाना है वो है बर्गर पैटीज, जिनको हम बनाएंगे बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले हम बर्गर पैटी बनाने के लिए कुछ सब्जी को फ्राई करेंगे। उसके लिए पैन में डाल देंगे अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और साथ साथ डाल देंगे कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हम कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे। फ्यू सेकेंड्स तक कुक करेंगे। और अब हम डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। एक हमने यहाँ पे गाजर लिए जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी कटी हुई बीन्स। और अब इनको लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ये सब्जियां ड्राई नहीं हो जाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जी ड्राई हो गई है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे मैदा और पानी का पेस्ट। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाद में हम पैटीज को इसमें डिप करेंगे और फिर ऊपर से कुछ कोटिंग करेंगे। तो ये पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे और इसका टेक्स्चर हम पतला रखेंगे। आप इसको ज़्यादा थिक ना रखें, अदरवाइज पैटी में मैदा का टेस्ट आएगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल पतला रखेंगे। और नेक्स्ट है ये हमारे पास कुछ रस्क, जिनको हम ग्राइंड करेंगे। तो डाल लेते हैं इनको ग्राइंडिंग जार में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रस्क का हमने पाउडर बना लिया है जिसको हम यूज़ करेंगे बाद में पैटी की कोटिंग के लिए। तो अब पैटी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 5 आलू को उबाल के और फिर ग्रेट कर लिया था। आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप मैश भी अच्छे से कर सकते हैं। और ये है हमारे पास अराउंड 1/2 कप पोहा, जिसको अच्छे से वॉश करके हमने अराउंड 20 मिनट्स पहले पानी में सोक किया था। तो अब इसका अच्छे से पानी निचोड़ के हम इनको आलू में डालेंगे। तो ऐसे ही हमने सारा पानी स्क्वीज़ करके पोहे का आलू में डाल दिया है। और अब हम साथ साथ डाल देंगे वो सब्जी जो अभी हमने कुक की थी। और अब डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आलू, पोहा और मसालों को तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट में जो हम इसमें डालेंगे वो है कॉर्नफ्लोर। तो थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे पैटी फ्राई करते हुए फटे ना। अराउंड हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और इसको भी अच्छे से आलू में मिक्स कर देंगे। तो आप पैटीज़ को शेप देना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले आप हाथों पे अच्छे से पानी लगा ले जिससे ये आलू का मिक्सचर हाथों पे चिपके ना। और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आप आलू का, हाथों से ऐसे राउंड शेप देंगे, हाथ से ऐसे फ्लैट कर देंगे। और साइड से भी राउंड शेप देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे। और अब इस पैटी को हम डिप कर देंगे मैदा और पानी के मिक्सचर में। और ऊपर से जो अभी हमने 10 कप पाउडर बनाया था उसको कोट कर देंगे। और इसीलिए हमने मैदा के मिक्सचर में एक बार इसको डिप किया था। आप चाहे तो मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से ये कोट कर देंगे रस्क पाउडर से। तो एक पैटी तो हमने बना ली है और ऐसी हम सारी पैटीज़ बना लेंगे। और अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। उसके लिए पैन में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डालें शैलो फ्राई करने के लिए जिससे पैटी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो अब रख देंगे पैटीज़ और फ्लेम को अब हमने लो कर दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करें जिससे ये ऊपर से क्रिस्प और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए।
तो साइड चेंज करते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। तो अराउंड 10-12 मिनट्स में ये पैटीज कुक हो गई हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका गोल्डन ब्राउन कलर, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितनी क्रिस्प है। और अभी पैटीज गर्म ही हैं, तो हम इन गर्म गर्म पैटीज के ऊपर रख रहे हैं चीज़ स्लाइस, जिससे थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए उसकी हीट से। तो पैटीज तो बन गई है, और अब हम बनाएंगे बिल्कुल बेसिक बर्गर सॉस। उसके लिए हम मिक्सिंग बोल में डाल रहे हैं यहाँ पे अराउंड 2-3 टेबलस्पून्स मेयोनीज। यहाँ पे हम वाइट मेयोनीज यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3-4 टीस्पून्स टोमेटो सॉस। और आप चाहे तो बर्गर मेयोनीज भी मिलती है मार्केट में, आप चाहे तो डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सिंपल वाइट मेयोनीज यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस ऐड कर लें। और नेक्स्ट हम कुक करेंगे बर्गर बंस। तो सेंटर से हम ऐसे कट कर लेंगे बंस को। तो पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और अंदर वाली साइड को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक कुक करेंगे। और फ्लेम अभी लो ही है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इनको कुक करें। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका गोल्डन ब्राउन कलर। तो अब फाइनली बर्गर को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेस पे लगा देंगे मेयोनीज। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे एक लेटस का पत्ता। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह कैबेज भी डाल सकते हैं, यानी कि पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से रख देंगे पैटी और चीज़ स्लाइस, और फिर कुछ सैलेड, एक स्लाइस अनियन का, ऊपर से एक स्लाइस टमाटर का, थोड़ा सा हम ऊपर से सॉल्ट डाल देंगे, और आप चाहे तो कुकुम्बर भी यानी कि खीरा भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे भी हम मेयोनीज यानी कि बर्गर सॉस लगा देंगे। और अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप यहाँ पे दूसरी साइड पे हरे धनिये की चटनी भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारे बर्गर असेंबल कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, शेयर करना अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए लाइक और शेयर, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।